अगर दोस्तों आप लोग इंडिया के अंदर Redmi का Note 10 डिवाइस यूज करते हैं, यहाँ पर MIUI 12.5 अपडेट का इंतजार कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए अच्छी गुड न्यूज लेके आए और कन्फर्म गुड न्यूज है और आप सभी को काफी ज्यादा ये वीडियो पसंद आने वाली है, क्योंकि अगर आप लोग Redmi Note 10 यूजर है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित और आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल अपने तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप में से 90% मेरे व्यूअर ऐसे हैं जो मेरे डेली वीडियोज को देखते हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो यार ऐसा मत करो, प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लो और हमें टेलीग्राम के ऊपर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और वीडियो लाइक टारगेट हमने 50 लाइक्स रखा है, क्योंकि आप 50 लाइक्स कर देते हो तो प्लीज ये लाइक टारगेट जरूर कंप्लीट करिएगा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आप सभी को जैसे पता है कि यहाँ पर Redmi Note 10 Pro और Note 10 Pro Max जैसे डिवाइसेज है, इनको लगभग यहाँ पर 2 महीने या 1.5 महीने पहले ही अपडेट देखने को मिल चुका था इंडिया के अंदर MIUI 12.5 का, पर यहाँ पर Redmi Note 10 यूजर्स को अपडेट देखने को नहीं मिला। तो फाइनली आज वो दिन आ गया, यहाँ पर फाइनली जो Redmi Note 10 यूजर है उन सभी के लिए अच्छी न्यूज ये है कि यहाँ पर ग्लोबल में Redmi की तरफ से जो MIUI 12.5 का जो अपडेट है वो Redmi Note 10 डिवाइसेस के लिए रोल आउट कर दिया गया है। जी दोस्तों, एक बहुत अच्छी न्यूज निकल के आ रही है जो कि आप लोग काफी ज्यादा पसंद आएगी, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है यहाँ पर Redmi Note 10 में जो ये MIUI 12.5 का जो अपडेट है, इसका जो अपडेट वर्जन मैं आपसे बता दूं, MIUI 12.5.2.0 का ये अपडेट है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 487 MB का अपडेट है। इसके अंदर सिर्फ यहाँ पर MIUI 12.5 के जो भी फीचर्स है वो सभी इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे, और लेटेस्ट यहाँ पर जुलाई का जो सिक्योरिटी पैच अपडेट है वो देखने को मिल जाएगा इस अपडेट के अंदर, जो काफी एक अच्छी बड़ी बात हो जाती है। चूंकि यहाँ पर फाइनली जितने भी Redmi Note 10 यूजर है काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे उनके डिवाइसेज के अंदर जो अपडेट कब देखने को मिलेगा। ये अपडेट ग्लोबल के अंदर रिलीज हो गया है, और आप लोग चाहते हैं इंडिया के अंदर कब रिलीज होगा, तो मैं आप सभी को बता दूं, जब कोई भी अपडेट रिलीज होता है ग्लोबल में तो लगभग 15 से 20 दिन बाद उसे इंडिया के अंदर भी रोल आउट कर दिया जाता है। तो आज लगभग यहाँ पर आपसे बता दूं 4 अगस्त हो गया, तो 4 अगस्त यहाँ पर हो चुका है, तो मान के चलिए जो आपको अपडेट है यहाँ पर जो अगस्त का जो लास्ट वीक है उसके अंदर जो ये अपडेट है इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएगा। कन्फर्म डेट है दोस्तों, आप सभी को ऑफिशियल डेट बता रहा हूँ, जो कि यहाँ पर Redmi के जो मॉडरेटर है उनकी तरफ से भी कन्फर्म कर गया, जो कि यहाँ पर जो है अगस्त का जो लास्ट वीक है उसके अंदर जो मी पायलट यूजर है Redmi के उनको ये अपडेट देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद ही यहाँ पर सितंबर के फर्स्ट वीक तक जितने भी कंप्लीट यूजर है यहाँ पर Redmi Note 10 यूजर के उन सभी के डिवाइसेज के अंदर ये अपडेट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मी पायलट यूजर को देखने को मिलेगा, जो कि होगा अगस्त का लास्ट वीक, अगर आप लोग उनके अंदर शामिल है तो ये आपको अपडेट जरूर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इस जैसे ही अपडेट को रिलीज करा जाएगा तो लगभग 1-2 घंटे के लिए अपडेट आएगा, अगर आपने उस देर में अपडेट कर लिया तो ठीक है, तो अपडेट रोल बैक हो जाएगा। अगर आप लोग ऐसा नहीं चाहते हो तो प्लीज मुझे टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन कर लीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही अपडेट आएगा मैं आप सभी को टेलीग्राम के ऊपर भी बता दूंगा और वीडियो बनाकर भी जरूर बताऊंगा। तो बस दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही है, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और टेलीग्राम और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और 50 लाइक्स को जल्दी से कंप्लीट करिए।